दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत खतूरी अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं अपने एक दोस्त के घर गया था और वहाँ देखा तो बहुत अच्छी गार्डनिंग उसने कर रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो गार्डनिंग है आप तक भी पहुँचाई जाए, आप तक भी बताई जाए कि आप भी इस तरह से थोड़ा फ़ायदा उठाएँ छत पे। उसने छत पे गार्डनिंग की थी बहुत अच्छी, तो मैंने उसको कहा कि ज़रा 2 मिनट वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने सहयोग किया क्योंकि वो मेरी YouTube चैनल देखता रहता था, तो उसको भी काफ़ी प्रेरणा मिली और उसने भी अपनी छत पे काफ़ी अच्छा खर्चा करके और अपना गार्डनिंग बनाया है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं उसकी वीडियो। ये आपका देख करके बहुत अच्छा लगा, गार्डनिंग छत के ऊपर जो गार्डनिंग कर रखी है बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। तो ये आपको कैसे मतलब अंदर से हुआ कि मेरी छत पे गार्डनिंग करूँ और बहुत अच्छा लगेगा? कैसे शौक था, बचपन से था या क्या था, जरा जानकारी दो। और ये आप जो उगा रहे हो पौधे, ये केमिकल के हैं या ऑर्गेनिक हैं, टोटल क्या है ये थोड़ा सा बताओ। ये बैंगन बहुत अच्छे हुए हैं, मिर्चे हैं आपकी, मैं देख रहा हूँ गोली की बेल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें आपने उगा रखी हैं। इधर भी है बहुत सारी चीज़ें, ये केले का पेड़ है ना इधर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जरा थोड़ा मेरे व्यूवर्स को जानकारी दें आप, ताकि वो भी जागरूक हों और अपनी छतों पर या गमलों पर उगा सकें। तो ये थोड़ा सा बताइए आप व्यूवर्स को। मैं जीडी खुराना हूँ, फरीदाबाद से जवाहर कॉलोनी में रहता हूँ। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा जब, तो मैंने आपसे संपर्क किया, कुछ सीखा। उसको सीखते हुए मैंने, मेरे अंदर भी वैसे शौक था कि मैं भी कुछ सब्जियां वगैरह कुछ गार्डनिंग करूं। नीचे हमारे जगह नहीं है घर में, तो मैंने छत पे गार्डनिंग का सोचा। तो ये हमने टोटली ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं डाले हैं हमने। अच्छा, और ये हमने देखो शिमला मिर्ची लगाई है, इसमें फूल वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं। और हमने हाँ जी, और ये बैंगन के भी लगाए हैं हमने, बैंगन के तो फल भी देने स्टार्ट हो गए हैं। और तोरी की बेल चल रही है हमारी, तोरी भी लगाई है हमने। बस इसको हम मतलब शौकिया तौर पर अपना जो है ना शुरुआत की आपने ना। हाँ जी हाँ जी, ये भी शिमला मिर्च है? ये भी शिमला मिर्ची है जी, शिमला मिर्ची भी लगा रखी है हमने। और बैंगन लगाए हैं, तोरी। अच्छा, ये मान लो जैसे ये शिमला मिर्च जो मरोड़ी आ गई है, इसमें कुछ करते हो, इसमें तेल वो डालते हो, नीम ऑयल वगैरह कुछ छिड़काव करते हो? जी जी, नीम ऑयल में शैम्पू वगैरह डाल करके वो स्प्रे कर देते हैं, ताकि कीड़ा वगैरह भी। अच्छा, ये पुदीना है आपका? हाँ जी हाँ जी, ये क्या है? हाँ जी हाँ जी, ये क्या है? ये अनानास का, अनानास का। हाँ जी हाँ जी, क्या ही अनानास, अनानास का है जी। और ये पुदीना बहुत अच्छा पुदीना हुआ है आपका ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। और ये बैंगन है आपके? हाँ, लंबे वाले बैंगन है? हाँ जी, लंबे बैंगन भी हैं, गोल बैंगन भी हैं, शानदार बैंगन, बहुत बढ़िया बैंगन है, बहुत बढ़िया है। बस इसमें थोड़ा सा टाइम, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आ रही है इधर बैंगन की, जो है फ्लावरिंग है ये बहुत अच्छी है। देख करके शौक जागा हमारे अंदर भी, नहीं, तो मैंने बहुत अच्छा ये करना चाहिए हर आदमी को। देखो ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए सबसे पहले। ऑर्गेनिक भी हो गया जी, ग्रीनरी भी हो गई, और ऊपर आते हैं तो छत पे आते हैं तो बहुत अच्छा है लगता है। ये तो ऐसे फ्लावर्स का है जी, ऐसे फ्लावर्स का। अच्छा, ये और ये? हाँ जी, ये आपने बताया कि सब्जियों का वेस्ट को बिल्कुल मत फेंको, ना फेंक के इसके हम मतलब खाद बना के इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, गंजान जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्रेरणा मेरे व्यूवर्स को मिलेगी, ताकि वो भी जागरूक हों और अपने घरों में छोटे छोटे गमले लगा करके इस तरह से सब्जियां, मिर्ची, टमाटर है ना, इस तरह से सीजनेबल उगा सकते हैं और अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां घर में है ना खा सकते हैं। बड़ी खुशी होती है अपने घर में प्लांट उगाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।